नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैग अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम जा रहे हैं हमारी नई कार की डिलीवरी लेने। एंड यस गाइस, अगर आपको पता है कौन सी कार है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता, स्टे ट्यून गाइस, वीडियो में आगे पता चलेगी आपको कार। एंड एज ऑफ नाउ हम हैं स्टूडियो में, हमारा स्टूडियो बेस्ड है नवी मुंबई में। एंड यहाँ पे जो कार का शोरूम था ना, वो एक्चुअली नवी मुंबई वाशी में था, एंड नाउ इट हैज़ शिफ्टेड टू ठाणे। सो यहाँ से ऑल द वे 45 मिनट्स का रूट है गाइस। सो यहाँ पे कैब भी हमने बुक की है, क्योंकि गाइस जो मेरी प्रीवियस कार थी उसे हमने एक्सचेंज किया है, तो उसे ऑलरेडी हमने कलेक्ट किया है। एंड नाउ नई कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। सो कैब इज वेटिंग, लेट्स गो। जैसे आप देख सकते हो, फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं मर्सिडीज लैंडमार्क शोरूम में। यस गाइस, मर्सिडीज कार यहाँ पे बुक की है, एंड दिस इज मर्सिडीज लैंडमार्क ठाणे। एंड गाइस, जितना आप एक्साइटेड हो ना, उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कार को यहाँ पे देखने के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे कार आ चुकी है, अनवीलिंग हो चुका है। नाउ लेट्स डू द पूजा स्टफ। एंड यस, जैसे एक्सपेक्टेड था, वाइट कलर, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। एक वॉक अराउंड लेते हैं। बीच इंटीरियर गाइस, थोड़ी टाइम में आएंगे कार की तरफ, बट सबसे पहले विल डू द पूजा। फाइनली फर्स्ट बूट डैड ने किया है। यहाँ पे शुभम भाई बैठो, हैव अ सीट। वेलकम टू आवर न्यू मर्सिडीज शुभम भाई, हमारे शुभम एडिटर जो हमारा इतना साथ देते हैं। ही इज देयर बिहाइंड द कैमरास। मैं आपको बताना, शुभम भाई कैसे लगा आपको ये कार? सर बहुत ही प्रीमियम फील कर रहा हूँ मैं बैठ के। क्या बात है, वर्ड्स नहीं है। मतलब गाइस, लिटरली हम लोग बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे, ऑनलाइन देख रहे थे कौन सी कार है, कौन सी नहीं है, क्या फीचर्स है। एंड फाइनली वी आर हियर इनसाइड, एंड द फीलिंग इज ऑसम, इट इज जस्ट ऑसम। सो गाइस, फीचर्स है, सारी चीज़ें फॉर श्योर एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा गाइस अभी पेपर वर्क है, पेपर प्रोसीजर है, उसे कम्प्लीट करते हैं, बट इनिशियल फर्स्ट इम्प्रेशंस देने तो बनते ही है गाइस। सुपर अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, और ये पॉलीकार्बोनेट वॉलीकार्बोनेट नहीं है, लेदर बिल्ड क्वालिटी है। फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इट वॉज क्वाइट स्मूथ। मतलब जो फील है व्हेन यू स्टार्ट द इंजन, लाइक डिस्पाइट बीइंग अ डीजल इंजन, मतलब
इतना वो फील नहीं हुआ कि लाइक इंजन स्टार्ट हुआ है, बट ओवरऑल आएगा गाइस, इसका भी रिव्यू आएगा, जल्दी आएगा. दिस इज फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होती है. Guys, finally यहाँ पे delivery जो हो चुकी है, and yes we have Dhananjay with us. Hi guys. So yes, Dhananjay has helped us a lot. Landmark Mercedes में seamless transaction, कोई भी issue नहीं है. This guy has helped. मतलब कहाँ पे भी कुछ भी issue नहीं था. It was so fluent ना, मतलब even the communication part हो गया, like maybe the transaction part हो गया. कहाँ पे कुछ query है, just used to call and मतलब हाँ बाबा ये query है. And मतलब sorted, everything was sorted. So thank you so much. Thank you so much. Always pleasure having customers like you. Definitely. Thank you so much. Hey guys, so finally यहाँ पे delivery ले ली है. So we are heading towards our home. And yes, I must say जो driving experience है यहाँ पे वो बहुत ही amazing है. जल्दी इसके features भी देखेंगे. But सबसे पहले as usual we have to do puja and stuff. तो वो सारी चीज़ें complete करते हैं. And yes, let's go to home. So yes guys, this is day 2. Actually, कल घर पे गए हम लोग, पूजा वगैरह की, but वहाँ पे मैंने कैमरा रोल नहीं किया है. But आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर कार के कुछ फीचर्स के बारे में. So guys, ये जो मॉडल है ये है Mercedes A200D Limousine मॉडल. एंड यहाँ पे फ्रंट लुक के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको मैसिव मर्सिडीज लोगो देखने मिलता है. एंड इस लोगो के पीछे की तरफ जो सरफेस है ना, वहाँ पे उन्होंने रडार सेंसर्स जो होते हैं ना उसे प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है, मतलब जो कोलिजन डिटेक्शन होता है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. अदर देन दैट जो ग्रिल है बहुत ही इंप्रेसिव आपको देखने मिलता है. एग्रेसिव डिज़ाइन उन्होंने प्रोवाइड किए. एंड यस, इसके अंदर है ना उन्होंने हाई परफॉर्मेंस LED प्रोजेक्शन लाइट्स यूज़ किए. एंड यहाँ पे आपको मर्सिडीज बेंज की बैजिंग भी देखने मिलती है. एंड इंटरेस्टिंग बात, मतलब आगे की तरफ यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने मिलते हैं. सो जब भी आप कार को पार्क करोगे ना, यहाँ पे आगे की तरफ भी उन्होंने सेंसर्स प्रोवाइड किए. बट गाइज, अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर कार के अंदर आपको 360 कैमरा सेटअप देखने नहीं मिलता है. फ्रंट कैमरा भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है. एंड यस गाइज, ओवरऑल जो लुक एंड फील है ना आगे से इस पर्टिकुलर कार का बहुत ही अमेजिंग है. एंड यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एरोडायनामिक्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हो ना, तो ये कार बहुत ही एरोडायनामिक वे से डिज़ाइन की है. एंड और एक चीज़, मतलब यहाँ पे आप अलॉयज़ देख सकते हो, इसके 17 इंच के अलॉयज़ है. एंड इसे भी एरोडायनामिक्स वे से ही डिज़ाइन किया गया है कि मतलब प्रॉपरली ग्लाइड हो आपकी कार अगर आप फास्ट स्पीड में इसे चला रहे हो. एंड यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग आपको देखने मिलती है डोर्स में. एंड यहाँ पे कीलेस एंट्री का जो बटन होता है ना, वो देखने नहीं मिलता है आपको. पता नहीं मर्सिडीज़ ने यहाँ पे वो चीज़ मिस आउट किए. सो यहाँ पे आपको कार अनलॉक करनी पड़ती है एंड फिर ही आप अंदर की तरफ यहाँ पे एंटर हो सकते हो. सो गाइस, इंटीरियर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है. एंड दिस इज़ द बूट. यहाँ पे आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स देखने मिलते हैं. एंड यहाँ पे जो कैमरा वाला पार्ट है, रेयर पार्किंग कैमरा, वो यहाँ से पॉप होता है. सो जैसे आप देख सकते हो मैं रेयर रिवर्स में एंटर कर रहा हूँ, जो कैमरा है वो यहाँ पे पॉप हो जाता है. एंड जैसे ही मैं रिवर्स से यहाँ पे एग्जिट हो रहा हूँ ना, जो कैमरा है वो वापस क्लोज हो जाता है. एंड गाइज, यहाँ पे जो इसके टेल लाइट्स है ना, वो भी आपको एक्सटेंडेड देखने मिलते हैं. यहाँ पे बूट जो ओपनिंग है उसमें ये एक्सटेंड हो चुके हैं. एंड यहाँ से मैं बस ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो बूट ओपन हो चुका है. एंड यहाँ पे रफली है ना गाइज 410 लीटर्स की कैपेसिटी है. एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब यहाँ पे आपको नॉब देखने मिलते हैं. तो यहाँ पे नॉब को जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे दो नॉब्स देखने मिलते हैं. दोनों नॉब्स को मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बस सीट जो है उसे कुछ इस तरीके से मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ. मैं वहाँ से भी आपको बताता हूँ. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीट है वो रिक्लाइन हो चुके हैं. एंड कुछ इस तरीके से ना आप इसकी जो बूट कैरिंग कैपेसिटी है ना उसे इंक्रीज़ कर सकते हो. एंड इसे क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. कुछ इस तरीके से बस आपको इसे स्लाइड आउट करना है. एंड यस गाइस, बस आपको पुश करना है एंड यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है. एंड रियर सिटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो काफ़ी कम्फर्टेबल सिटिंग है. हालाँकि अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, तो इतना कम्फर्टेबल अंडर थाई सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता है. बट गाइस, ओवरऑल मेरी जो हाइट है 5 feet 5 inch, उस हिसाब से एडिक्वेट स्पेस यहाँ पे मुझे फील हो रही है. एंड जो ड्राइविंग सीट है ना उसे भी मैंने एडजस्ट किया है. यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने मिलता है, कप होल्डर्स भी प्रोवाइड किए.
गाइज ये कोई कार रिव्यू नहीं है, बट एक ग्लिम्स बताना चाहता हूँ बस आपको कि कंफर्टेबल बैक सीटिंग है यहाँ पे, रेयर एसी वेंट्स भी देखने मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। एंड अभी हम डायरेक्टली जाते हैं इसके मेन ड्राइविंग एरिया की तरफ जो है इसका कॉकपिट। एंड यस गाइज यहाँ पे फ्रंट ड्राइवर सीट के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स भी प्रोवाइड किए सारी सीट्स के लिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका अंडर थाई सपोर्ट हो गया उस वो आपको यहाँ पे मैनुअल देखने मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप मैन्युअली इसे ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको लंबार एडजस्टमेंट्स भी देखने मिलते हैं सीट के साइड में, अगर आप देखोगे लंबार एडजस्टमेंट्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए। एंड इसका जो हेडरेस्ट है वो मैन्युअली यहाँ पे होता है। सेकेंडली गाइस यहाँ पे हम टर्न ऑन करते हैं कार को, एंड यहाँ पे आपको दो डिस्प्लेज इसके अंदर देखने मिलते हैं गाइस, 10.25 इंच के हैं रफली दोनों भी डिस्प्ले। यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले टच स्क्रीन आपको देखने मिलता है, ये जो डिस्प्ले टच स्क्रीन नहीं है बट यहाँ पे ड्राइवर साइड जो स्टेयरिंग व्हील है उसके ऊपर उन्होंने सेटिंग का सेक्शन प्रोवाइड किया, जहाँ से हर एक चीज़ में ऑपरेट कर सकते हो बेसिकली गाइस। एक्चुअली मुझे भी एक्सप्लोर करनी है पूरी कार, क्योंकि इतनी टेक लोडेड ये कार है ना, एंड यहाँ पे भी आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। एंड यस अंदर का जो एम्बियंट लाइट है ना वो भी बहुत ही अमेजिंग है, तो यहाँ पे आपको 64 एम्बियंट लाइट सेटिंग इसके अंदर देखने मिलते हैं। आप एम्बियंट लाइट को आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड नाइट टाइम में ना गाइस बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको मिलेगा, जैसे मतलब अंदर का जो इंटीरियर है ना बहुत ही अमेजिंगली ग्लो होता है, एंड कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा गाइज यहाँ पे सीट काइनेटिक्स हो गया है, सीट कंफर्ट हो गया, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे देखने मिलता है। एंड गाइज इतना मैसिव सनरूफ नहीं है बट जो लाइट है ना बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे अंदर की तरह एयरी फीलिंग आपको फील होगा। बेज इंटीरियर उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड वन टच ओपन एंड क्लोज है गाइज, आप ओपन कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग व्यू आएगा। सो गाइज अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। हाँ उसके अलावा गाइज यहाँ पे एसी टर्बाइन वेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे आपको एक टच कंसोल भी देखने मिलता है जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डिस्प्ले को एडजस्ट कर सकते हो। टच हैप्टिक फीडबैक है, स्टोरेज ऑप्शंस है गाइज, वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पे कुछ क्लोज कर सकते हो इस तरीके से। ग्लॉसी फिनिश है गाइज, तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट आप इसे फॉर श्योर बोल सकते हो। एंड यस इसका आपको एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी देखने मिलता है, सो उसे हम चेकआउट करेंगे। एंड गाइज ये एक डिटेल रिव्यू नहीं है गाइज, क्योंकि मुझे भी ढेर सारी चीज़ें ना यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है इस पर्टिकुलर कार में, जिसे हम जानेंगे थोड़ी टाइम में। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, क्या आपको इस कार का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे इसके टेक के बारे में कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको देखने मिलती है। एंड यस लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो गाइज ये है मर्सिडीज मी एप्लीकेशन, एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉक स्टेटस देखने मिलता है। सो करंटली कार जो है अनलॉक्ड है, मैं यहाँ से स्लाइड करके इसे लॉक कर सकता हूँ एंड कार जो है यहाँ पे लॉक हो जाती है, लॉक हो चुकी है कार। उसके अलावा गाइज यहाँ पे विंडोज़ का सेक्शन है, तो विंडोज़ को मैं रिमोटली ओपन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे सनरूफ के सेटिंग्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए। उसके अलावा गाइज यहाँ पे इंजन को रिमोटली मैं टर्न ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इंजन यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे व्हीकल स्टेटस आप देख सकते हो, स्टेटस सारी विंडोज़, स्लाइडिंग सनरूफ, डोर क्लोज्ड है, फिर बोनेट भी क्लोज्ड है, पार्किंग ब्रेक भी एंगेज्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब यहाँ पे मोर सेटिंग्स में ना आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी देखने मिलता है, सो कौन से टायर में कितना प्रेशर है वो आपको पता चलेगा। फिर जियो फेंसिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं जियो फेंस कर सकता हूँ कि कौन से एरिया में मतलब ये स्पेसिफिक एरिया के बाहर कार नहीं जानी चाहिए। एंड गाइज उसके अलावा गाइज यहाँ पे उन्होंने टायर प्रेशर हो गया, ट्रिप डेटा, गाइज ढेर सारे फीचर्स हैं मर्सिडीज मी ऐप में। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके लिए एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं इस कार में एक्सप्लेन करने के लिए। एंड अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस और एक चीज़ बताना, ये कार आपको कैसे लगी, क्योंकि गाइज पर्सनली मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, एंड आप सभी के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो तहे दिल से आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर द अमेजिंग लव एंड सपोर्ट जो आपने टेक अनबॉक्सिंग फैमिली को इतने सालों से दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जितना मैं खुश हूँ मेरी एक्साइटमेंट है उसके लिए आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो यस थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।